सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई जैसा कि आपको याद ही होगा, पिछली बार उधम गैंग के बंदों ने हम पर हमला कर दिया था, तो उसने हमें ये दिया था। और उसके बाद भाई हम देखो, ये आ रहा भाई उधम गैंग का लीडर, यू आई उल कहते हैं इसको, पता नहीं क्या नाम है, जो भी इसका नाम है। तो हमें इन तीन चार बंदों को और जोड़ना है अपने साथ, ताकि हम एक रीयूनाइट हो पाए। एक बंदे को तो हमने जोड़ दिया था, कारुश, जो कि हमारी टीम के बंदों को स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। और जब मैं ऑफलाइन था यार, मैंने कुछ ना बीस्ट को भी टेम करा था, और एक दो आउटपोस्ट और टेम करी थी। मैं दिखाता हूँ तुमको, जो भी दिख रहे हैं सारे, मैंने इतने सारे टेम कर लिए थे। एक दो तीन चार आउटपोस्ट थी बंदों की। तो अभी मैंने फर्स्ट, मैं जेविया पे जाऊंगा, जेविया द हंटर, इसको अपनी टीम में जामिया जामा जामा जो भी है, ठीक है। और वो आग द क्राफ्टर, और ये है, ये पता नहीं कौन है भाई, डिफिकल्ट है भाई, वेरी हार्ड लिखा रहा है। और सैलिया के पास चलेंगे पहले, इसके पास, फिर देन फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे चलेंगे। तो आज का अपना यही मिड टारगेट रहने वाला है। और तब तक के लिए मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, मैंने कुछ बीस्ट को टेम करा है भाई। केव लॉयन भी अपने पास कहाँ है भाई, देख रहे हो, इसका थोड़ा हील कर देता हूँ, इसने बहुत मदद करी भाई। भाई लॉयन भी पार लिया तुम्हारे भाई ने, यहाँ पर तगड़ा लग रहा है अभी। सबसे तगड़ा मेरे पास यही है, जो भी, एक तो मेरे पास वुल्फ है, वाइट वुल्फ है, एक मेरे पास जैगुआर भी है, और ये भी है लेपर्ड वेपर्ड, ब्रियर ब्लैक लॉयन भी। ये तो वाइट है, वो होगा भाई एकदम ब्लैक, तो उसको भी करेंगे हम। तो फटाफट से जामिया के पास चलते भाई, दूर नहीं है, पास में ही है। तो ओके भाई, मैं रास्ते में आ रहा था ना, तो मेरे को ब्लैक रेयर ब्लैक लॉयन भी मिल चुका था भाई, देख रहे हो कितना जबरदस्त लग रहा है। तो मैंने इसको भी रास्ते में आते आते टेम कर लिया, एक वाइट भी है, ब्लैक भी हो चुका है, रेयर है भाई ये बहुत ज़्यादा। मेरे को तो ऐसे ही मिल गया घूमते फिरते, और मैं अपना मिशन के पास ही आ रहा था, तो सही भी है। तो जा बेटा इनको मार, चल ख़त्म कर इसको, जो भी आ रहे हैं इन सबको उड़ाना पड़ेगा यहाँ पर हमें। बेटा तगड़ा है, एक में उड़ा देगा इसकी तो ऐसी की तैसी कर दी भाई इसने। तो फटाफट से चलते भाई अंदर, मेरे हिसाब से कुछ तो हो रहा है यहाँ पर, आई थिंक इन पे भी अटैक हुआ है। ओके भाई, अरे भाई इसने कहाँ एकदम से तीर मारा है। ओके जामा जामा, ओके ये इसने हमें पहचान लिया है। ओके तो भाई मजाक उड़ा रही है क्या हमारा? बेटा तुझे पता नहीं है, तुम सबको मार सकता हूँ मैं। तो भाई हमने इसको चैलेंज दे दिया, ये दो दिनों से बियर को ढूंढ रहे थे और इनसे पकड़ा नहीं जा रहा था, तो अब हम इसको पकड़ेंगे। ओके तो अब भाई बियर मार के दिखाना पड़ेगा भाई बियर को ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, अकेला अकेला इस क्लब क्लब से मार दूंगा भैंस के, मार मार के। आ जा बेटू, आ जा मेरे शेर, भैंस यहाँ शेर दौड़ रहा भाई हमारे साथ भी, मतलब भाई मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। और फटाफट से अभी कहाँ जाना पड़ेगा? ओके आई थिंक यही है बियर के फुटप्रिंट्स जो कि जा रहे हैं। ओके ये रे भाई, बियर को ढूंढना पड़ेगा हमें, बियर को जैसे पकड़ लेंगे तभी भाई हमें अपना, शायद से हमें थोड़ा रिस्पेक्ट दिए, क्योंकि हमने इसको चैलेंज कर दिया कि हम बियर को जल्दी ढूंढ सकते हैं इससे, और मार भी देंगे उसको। तो ये काफ़ी दूर जा रहा है, फटाफट से ट्रैक्स का पीछा करता हूँ भाई मैं, कहाँ तक जा रहे। ओके तो यहाँ पर कुछ तो है, ये हंगरी बेयर, मतलब वो भूखा है भाई बेयर, तो वो इनको ढूंढ रहा है, मतलब खाना ढूंढ रहा है। तो उसने आई थिंक तगड़ा ही बेयर लग रहा है भाई, कोई उसको टेम भी कर सकता हूँ मैं। ओके तो भाई यहाँ पर और भी निशान है, तो फटाफट से जाता हूँ भाई मैं, ढूंढता हूँ उसको। तो ओके भाई मैं उनके फुटप्रिंट्स का पीछा करते करते बियर के, उसने भाई बहुत तबाही मचा रखी थी जहाँ से भी वो जा रहा था, एकदम गुस्से वाला बियर लग रहा था। तो अभी फटाफट से चलता हूँ मैं उस बियर को ढूंढता हूँ भाई, यहीं कहीं होगा आसपास में। ओके नीचे भी चिड़े घूम रहा है क्या? अभी उसको ढूंढना पड़ेगा भाई, मुश्किल सा है। मेरे पास भाई लॉयन भी आई थिंक लॉयन इसको बियर को नहीं मार पाएगा जहाँ तक भी है, सिर्फ सैबर टूथ ही मार सकता है, ठीक है। ओके भाई वो रहा वो रहा वो रहा मिल गया मुझे, बियर तो मिल गया, लेकिन अब मैं जाऊं कैसे उसके पास? सबसे पहले तो अपना वो चीता भेज देता हूँ उसको मारने के लिए, ठीक है। जैसे वो उस पर अटैक करेगा मैं पानी में कूद दूँ, पानी तो लग नहीं रहा मुझे यहाँ कहीं। ओके तो भाई वो रहा बियर, जा बेटा उसको मार, फाइंड द बियर, यही बियर होगा यार जहाँ तक भी लग रहा है मेरे को।
भाई साहब तगड़ा डैमेज दे रहा है। भाई साहब ये तो शेर को मार देगा आसानी से ना। एक काम करता हूँ, इसको ना घर भेज देता हूँ अपने। अरे भाई इसने तो मार दिया इसको, भाई इसने तो इसको मार दिया। फाइंड द हंटर्स। ओके तो भाई बियर को तो मैंने मार दिया है, अब हंटर्स को कहाँ फाइंड करूँ मैं। इसको मैं टेम कर सकता था वैसे भाई, बट अब क्या करें। कोई ना, मैं अपने शेर को बुला लेता हूँ। आ जा बेटा, जाए तो इसको मैं खा ले। अब इसको खा, इसको खा और अपनी मौज कर। लेकिन फाइंड द हंटर्स को कहाँ ढूंढूँ अब मैं। इसको तो मैंने निपटा दिया यहाँ पर। मज़ा आया भाई इसको मारने में ना। हंटर्स भी ओके, हंटर्स भी यहीं आसपास में ही है। तो भाई ये तो हमने मार दिया इसको। चेक पॉइंट पे भी आ चुका हूँ अपने। ओके अब जामी आएगी। ओके ये री भाई आ गई। ये मेरे को मेहमत स्पीड क्यों बुलाती, मेरे पैर ज्यादा बड़े क्या? ओके तो भाई ये भी अपनी ट्राइब के अंदर आ चुकी है। अब ये सीधा वहीं जाके अपने जो अपने बेस बना रखा है ना, वहीं जाके रहेगी। ठीक है, आ जा बेटा, तेरे को मैं मीट खिलाता हूँ, अपनी हेल्थ फुल कर ले तो। ओके तो भाई एक और मिशन कंप्लीट हो चुका है, अब जो अपना नेक्स्ट मिशन है। ओके अरे मैं कहाँ आ चुका हूँ, यहाँ तो आउटपोस्ट वगैरह भी है बीच बीच में। ठीक है तो मुझे यहाँ से सीधा जाना पड़ेगा भाई भूभाग की तरफ। ठीक है यहाँ से चलते उसके पास। ओके चला जा बेटा शेर, सीधा चलते भाई वहाँ पर। दूर है बट कोई ना, पहुँच जाएंगे आसानी से हम तो। ओके भाई मैं आ चुका हूँ यहाँ पर इस बंदे के पास। ठीक है अरे शेट भाई, इसने तो कुछ खतरनाक। ओके वहाँ से उसका रास्ता जाने का, कहाँ से? ओके ये रहा रास्ता इसका आने का यहाँ पर। तो फटाफट से चलते भाई इसके पास, इसको भी अपनी ट्राइब में शामिल करते हैं। वो जो देखो, एक तो करुष था, वो तो भाई हमारे बंदों को हंटिंग कह रहा हूँ, लड़ना सिखाएगा। अरे तो ट्रैप था एक, शिट भाई। और वो जो जामिया थी वो हंटिंग के लिए। अरे भैंसी आ गया तो मूत रहा है मेरे पे। अरे भाई ओए, अच्छी इसको जान से मार दूंगा मैं। अबे उदम नहीं है मैं। अबे हम बिन जाइए, ये सोच रहा है कि ये आखिरी बचा है, इसके अलावा और कोई बिन जा नहीं है। अबे भाई इसने तो हमारे पर मूत दिया, मतलब ये क्या आदमी है। ओके ट्रैप्ड, इस मिशन के नाम ही ट्रैप्ड है। ओके यहाँ कुछ तो है। ओके एल्डर वुड है एक तो थोड़ी सी, ठीक है। और ये क्या है? ओके यहाँ कुछ तो है, इसको तोड़ सकता हूँ मैं शायद से। इसको क्या करूँ, इसका आई थिंक इसको तोड़ना है मुझे। ये भाई ऐसे नहीं टूटेगा, इसमें मुझे आग ही लगानी पड़ेगी जहाँ तक भी मुझे लग रहा है। ठीक है इसमें आग ही लगानी पड़ेगी। ओके आई थिंक अब हो जाएगा अपना काम बढ़िया। अब तो इसमें आग लगा दी इन्होंने भाई, ट्रैप बना रखा है बंदे ने ताकि यहाँ पर। ओके नीचे पानी, कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने को भाई। अभी मेरे को ना ये उदम समझ रहा था, उदम का बंदा कुछ ऐसा ही वगैरह। भाई यहाँ तो बहुत बुरा सीन हो रखा है। ओके आई थिंक भाई मुझे यहाँ कुछ तो कुछ, ओ शिट ना ये तेरी ऐसे की तैसी गधे के बच्चे, मेरे को मारेगा अब तेरे स्किन और ले लूँगा बेटा, तुझे पता नहीं। भाई इसने यहाँ पर जैगुआर भी छोड़ रखा था नीचे। ठीक है मेरे को भाई ग्रिपलिंग लॉ भी मिल चुका है, इसकी वजह से मैं कहीं भी चढ़ पाऊंगा। ओके मैं समझ गया हूँ भाई क्या चीज़ है। ठीक है अब इसकी मदद से हम भाई कहीं भी चढ़ पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर था तो यहाँ पर ये काम आएगा अपने ग्रिपल करने के लिए। तो वैसे इसी की वजह से कहीं भी चढ़ सकते भाई। ओके ओके मैं समझ चुका हूँ इसको कैसे यूज़ करना भाई। ये तो बढ़िया चीज़ मिल गई मुझे इस गेम के अंदर, एक और चीज़ मिल गई। अब भाई यार यहाँ पर भी, ओके यहाँ पर, ओके मैं समझ गया हूँ यहाँ पर क्या करना है। मैं समझ गया हूँ। ओके सी से डिटैच होगा भाई बंदा, ये तो सही चीज़ मिल गई अपने को। ओके यहाँ पर आई थिंक मुझे नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ पर नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ तो होगा नीचे, पक्की बात है। अरे भाई साहब
यहाँ पर एक नहीं भाई, दो तीन है। भाई मुझे इन सबसे लड़ना पड़ेगा, मेरी अब फटने वाली यहाँ पर ना। आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, यहाँ जैगवारों की ऐसी तैसी ले तू आएगा है। एक और जैगवार है, और भी है पीछे, और भी आ जाओ भाई साहब। ले तेरी ऐसी बेटा, देर में तो आग के सोटे दूंगा मैं। एक और है शायद से यहाँ पर, ओके भाई बोरा आ जा बेटा, ले तेरे को तो जिंदा ही जला दूंगा मैं। भाई इसको भी मैंने जिंदा ही जला दिया बेटा, कैसे भग रहा है। कोई ना, इनकी स्किन ले लेता हूँ मैं, तगड़े तगड़े मारे भाई। हाँ ये आ जा बेटा, तेरी ऐसी की तैसी तू बोलेगा है। ले भाई तीन तीन चार पांच पांच जैगवार मार दिए मैंने यहाँ इस घर में ना, इस ट्रैप में। इसने बहुत तगड़ा ट्रैप बना रखा भाई बंदों के लिए। दूसरी तो ये तो इनकी ऐसी की तैसी कर देगा यहाँ पर। तो भाई साहब इनने तो इतना बढ़िया ट्रैप बना रखा भाई, और उसके अंदर जैगवार छोड़ रखे है भाई। चलो वुल्फ तो मैं मान लो एक बार को, चलो वुल्फ है, लेकिन भाई बंदे ने जैगवार, वो तो और खतरनाक होते हैं। अपना ये सही है भाई, इससे चढ़ने में। ओके अब मैं बाहर निकल चुका हूँ इस केव से, उस बुड्ढे को देखता हूँ, उसने भाई मेरे ऊपर मूत दिया कसम से। ओके मैं बाहर तो निकल चुका हूँ भाई यहाँ से, बट अब मुझे देखना पड़ेगा कि कैसे करना है। ओके दोबारा से आ चुका है उसी का मिशन, आई थिंक मुझे दोबारा से ट्रैप से तो निकल चुका हूँ मैं उसके, उसके बाद दोबारा से जाना पड़ेगा बुड्ढे के पास मेरे को। तो ओके भाई मैं आ चुका हूँ उस बुड्ढे के पास, अभी से बताता हूँ कि इसने मेरे को बंद कैसे कर दिया, और ऊपर से भाई मेरे को परेशान और कर रहा है, ऊपर से मेरे ऊपर इसने मुंह तोड़ दिया। ओके तो भाई ये बाहर निकल रहा है यहाँ से, अब बता बेटा। हाँ अब बता, अब देखना इसकी कैसे फटेगी, हमको देखे, इसने अभी तक देखा नहीं मेरे को। भाई इसके हाथ में क्या है, तगड़ा सा वेपन है। ओके अब इसने मेरे को ध्यान से देखा है। हाँ भाई मैं तो पहले ही कह रहा था मैं उधम का नहीं हूँ। सुन क्या रहा है अबे शिट, इसने बस मेरे पास मूत कैसे दिया, तेरी ऐसी की तैसी बेटा। बीस्ट मास्टर दिन जाए इसलिए छोड़ दिया, नहीं तो इसको जान से मार देता बुड्ढे को। अबे नहीं मरे ना, अपन दिमाग क्या खराब कर रहा है, तेरे जैसे और भी पागल है मेरे पास भाई साहब। ओके ब्लड ऑफ होरूस, तो भाई जो इसके हाथ में पत्थर सा था ना, इसने वो दिया मुझे, अब वो मुझे ढूंढना है, तो वो वहां जाके कहीं मिलेगा। तो फटाफट से चलता हूँ भाई मैं। भाई मुझे पता चल चुका है यहाँ पर क्या करना है, मुझे इनके अंदर थ्रू से देखना है। ओके तो भाई वो रहा ब्लड ऑफ होरूस, वहां पर जाना था भाई मैं जब से। और भाई पता है कल रात को मैं यहाँ पर था ना, अरे भाई ये क्या कर रहा है, तो यहाँ पर ये अटैक करने आ गया था मेरे पे, तो मैंने इसको टेम कर लिया। इसकी अभी राइडिंग नहीं कर सकता मैं भाई साहब, ये तो तगड़ा ही है मोटू कहीं का, अपना खुद पेट पे खुद भर लेगा। चलो सही है भाई जो भी है, बट मुझे तो कुछ तो था यहाँ पर एनिमी भाई। लायन भी इसको देख के भाग जाता है, रेयर ब्लैक लायन। ओके तो भाई वो रहा ब्लड ऑफ होरूस, तो फटाफट से वहां चलता हूँ मैं। यहाँ पर याक वाक भी भाई सब डरते हैं इससे, ये तो भाई इस जंगल का राजा है सेबर टूथ। और एक और है ब्लड फैंग सेबर टूथ, वो तो भाई खतरनाक सबसे तगड़ा जानवर है वो। और बेयर भी है, बट बेयर में पता है क्या, उसकी राइड नहीं कर सकते ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत उसकी यही है, तो इसलिए वो इतना कामयाब नहीं है जितना ब्लड फैंग सेबर टूथ है। सबसे तगड़ा एनिमल है उसके बाद ये तगड़ा एनिमल है भाई, देख रहे हो कैसे भाग रहे इसको देख देख के। ये सबको मार देगा आसानी से। तो भाई मुझे वहाँ ऊपर जाना है ना, रेयर रीड्स मिल गई कुछ, अब देखना भाई इनकी ऐसी की तैसी करता है ये। वुल्फ्स तो इसको देख के फरार हो जाएंगे यहाँ से, बट मैं जाऊँगा। ओके अब तो मेरे पास ग्रिपलिंग लॉ भी है, आ जा बेटा तू मेरे को लड़ेगा है, आ जा। अरे शिट ये तो मेरे को मारने आ रहा है, मेरा बीस्ट नहीं आ पाएगा यहाँ। बीस्ट तू काम किस चीज़ का है फिर, तेरे चक्कर में मेरी पिटाई हो रही है हैं यहाँ, तो भाई मैं कूटूंगा इनसे, पानी में हूँ, आ जा मार। अबे बीस्ट
गधे के बच्चे यहाँ पिटवा रहा है मेरे को तू। अभी बीस्ट को भेजता हूँ इनको मारने के लिए। ये बीस्ट इनको वहां क्यों नहीं मार सकता? चल जा मार इनको। अरे गधे ये तो भाई इसको देख के भी नहीं भाग रहे ना, मेन बात पता यही है। कोई ना, मैं यहाँ से ग्रिपल करके चला जाऊंगा आराम से। ग्रिपल करने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी मेरे को। चलो फटाफट से चढ़ जाता हूँ ऊपर। अब आ जाओ मेरा बाग, बाल भी पाड़ के दिखा दो तो। अब इनने तो ऐसी तैसी कर दी थी भाई वुल्फ्स ने, कसम से ही। और मुझे अब यहाँ आना है ना ब्लड ऑफ और उसके लिए। ओके भाई ये रहा ब्लड ऑफ और लेकिन यहाँ तो भाई दूसरे उनके बंदे भी हैं भाई साहब। यहाँ होने वाली तगड़ी लड़ाई अपनी, मैं बता रहा हूँ तुमको। ओके भाई वो रहा वहाँ पर, तो अब इसकी बैंड बजाता हूँ मैं। क्या हाल है भाई, है जानता है मेरे को? तो मुझे यहाँ पर भाई रेयर ब्लड फोरस चाहिए थोड़ा सा, तो यहाँ पर बंदे भी हैं। ओके भाई ये रे बंदे भी, ज़्यादा नहीं है कोई दिक्कत नहीं इनको, तो मैं संभाल लूँगा अभी। आराम से जाएंगे और आराम से आ जाएंगे कोई। तो कहाँ कहाँ पर है भाई ब्लड ऑफ होरूस चाहिए मेरे को? एक तो वो रहा ठीक है, और एक यहाँ पर भी है, तो यही सब चाहिए बस मुझे। एक तो मिल चुका है ठीक है। ओह शिट, इसने कहाँ से देख लिया मेरे को भाई? बहुत बंदों ने देख लिया। इसमें तो स्पीयर ही दिया मैंने तगड़े वाला। थोड़ा सा और भी ब्लड ऑफ फोरस ले लेता हूँ। और भाई मेरा सेबर टूथ कहाँ है? चल जा बेटा इनको मार, जा इनको निपटा के आ तू। कोई मारेगा इनको, इनकी नानी याद दिलाती मार मार के। तेरी तेरी ऐसी की तैसी है, तू मारेगा मेरे को? इसके स्पीयर वियर ले लेता हूँ जितने भी मिलेंगे ना। अरे शिट, ये क्या मारा किसी ने? तेरी तेरी ऐसी की तैसी है, तू मारेगा? भाई ये मेरा है ना साइबर टूथ की ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं, यहाँ पर आ नहीं रहा है। ओके कोई दिक्कत नहीं है भाई, वैसे भी मैंने सबको लेटा दिया है ठीक है। अबे इसने भी मारा है, इसकी भी हेल्थ कम हुई है भाई, इसने ऊपर आ गया था। चलो सही है ठीक है। कहाँ पर है वो? ओके पानी के नीचे भी है थोड़ा सा ना, और एक और रह गया है। और कहाँ पर होगा? ओके ये रहा। तो भाई चारों के चारों ब्लड ऑफ फोरस मिल चुके हैं मुझे, अब मुझे जाना पड़ेगा। आई थिंक मेरा कंप्लीट हो चुका है यार। ओके गुड भाई, अपना ये भी कंप्लीट हो चुका है और वो भी अपने पास आ जाएगा। ब्लड ऑफ ओरूस कुछ मिल चुका है नया मेरे को। मैं अपनी क्राफ्टिंग के लिए देख लेता हूँ भाई, क्राफ्टिंग के लिए क्या क्या चाहिए होगा ठीक है। अभी फटाफट से देखता हूँ क्राफ्टिंग के लिए क्या क्या चाहिए और देखता हूँ क्या सीन चल रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे और मिशन आ चुके हैं अपने पास। अभी तू कहाँ से आ गया यार? ओके मैं अपना घर भी अपग्रेड कर सकता हूँ क्या? ओके अपना घर तो अपग्रेड कर ही देता हूँ मैं अपनी केव को भी अपग्रेड कर देता हूँ भाई। सब लोग खुश हो रहे भाई, मैंने अपनी केव को अपग्रेड कर लिया है भाई, बढ़िया बन रही है अपना बेस ना, बड़ा होता जा रहा है। काफ़ी सारे बंदों को भी जोड़ लिया जो कि बाहर थे, तो ओके एक्सपी काफ़ी बढ़ गई भाई, सही है। ओके तो इसका झोपड़ा भी कंप्लीट कर सकता हूँ क्या मैं? हाँ इसका झोपड़ा। ओके मैमोथ स्किन भाई, 3 मैमोथ स्किन और चाहिए होंगी, पॉपुलेशन तो अभी इतनी हुई नहीं है अपनी। चलो कोई ना। ओके भाई ये आ चुकी है अपने ट्राइब के अंदर। ओके तो भाई ये भी आ चुकी है अपने ट्राइब में शामिल होने के लिए। फाइंड मी शेल्टर एंड शो यू मास्टर हंट। ओके तो इसके लिए भी घर बना के देना पड़ेगा भाई। ओके इसका घर भी बन गया है, इसका घर तो आसान सा था। डियर्स के स्किन्स तो काफी है मेरे पास, इनके लिए भी घर बना के दे दिया। इनके ट्राइब के लिए अलग ट्राइब के थे, विंजा के हैं ही लेकिन ये अलग रहते थे, तो इनके लिए भी यहाँ पर घर बना दिया है मैंने। ओके तो ये हंटिंग वंटिंग सिखाएगी जो भी चीज़ें रहेगी अपने बंदों को, और शिकार करेगी मेनली तो। और ये भी आ चुका भाई, ये है तगड़ा लौंडा, ये हमारे बंदों को लड़ाई करना सिखाएगा ठीक है। इसकी केव के लिए क्या चाहिए? ओके हाँ सही है बेटा, सबको मारेंगे। ये क्या है? इसकी केव भी बना देता हूँ मैं। क्या चाहिए? वुल्स स्किन चाहिए ना। ओके वुल्स तो मैं अभी मार दूंगा 3-4 ठीक है। और एक बंदा और रह गया वहां पर। क्वेश्चन मार्क्स का क्या आ रहा है?
अबे भाई इन्होंने तो यहाँ पर बेस सा बना लिया, पूरा बड़ा हो गया काफी अपना बेस। मैं पहले कितना सा था मैं दिखाता हूँ तुम्हें दूर। देखो पत्थर वत्थर भी लगा दिए इन्होंने, डेकोरेशन साथ साथ चलती रहेगी जैसे जैसे अपग्रेड होगा। अभी तो और बनेंगे यहाँ पर, तो अभी तो बनना स्टार्ट हुआ भाई। काफी सारे घर वर वहां पर भी है नीचे, और वहां पर भी है क्या कोई? आई थिंक वहां पर भी है कोई। इसका कुछ क्या है ये इंटरेक्ट भाई? ये कुछ मिशन आ रहा है अभी, देखता हूँ ये क्या है। ये पीना पड़ेगा मेरे को, मेरे को पक्की बता। और पीते ही मैं कहीं चला जाऊंगा और कुछ ना कुछ तो गलत सीन होगा उसमें। बुड्ढे ने मेरे लिए रख रखा है ले बेटा पी। हाँ दादाजी सुना हाँ यू आलोटी फादर था बाल बाल अब जल्दी पिला दे पकता भाई जो भी है ना पूसू इसके मिशन में ना भाई। मतलब सर में दर्द हो जाता है, वाइवासना मतलब कि भाई कुछ अलग ही चीज रखता है ये। भावा सदादा ओके सायो तो नहीं बीस्ट बीस्ट भी टेम कर लिए कह रहा है मैंने। हाँ बीस्ट मास्टर हूँ तो भाई बीस्ट को तो टेम करूंगा ही मैं। अभी तो देखते हैं कि क्या होने वाला है भाई यहाँ पर। ओके तो भाई मुझे राइनो की स्प्रिट को फॉलो करना है इसकी, और यहाँ पर इन बंदों को भी निपटाना है। हो रहा भाई राइनो से तो और राइनो उसको निकाल रहा है अपने साथ साथ। आ जा बेटा ले बेटा, ये और भी निपटाने पड़ेंगे मेरे को। ओके आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ और आ जाओ, सबको मारूंगा आज। और आओ आओ। ओके दो तो ऐसे ही गए, एक बच गया ये मोटू, तेरे को मैं बताता हूँ। इधर आ ले, इधर आ तू, तेरी ऐसे की तैसी। अब और कहाँ भाग गया वो? बोरी बोरे बोरे बोरा, उसको फॉलो करना भाई, उसको पीछा करना है, कुछ तो हमें बताएगा। लेकिन ये हम पे अटैक भी तो करवा रहा है यार, और राइनोस भेज के अपने जैसे। भैंस क्यों कितना तेज जा रहा है ये? लेकिन भाई हमारे पास भी मेहमत है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। इनकी गुच्ची खोल दूंगा सारों की। ओके यहाँ पर और भी आएंगे मेरे हिसाब से अटैक करने। आ जाओ यही ये फेंक सकता हूँ पत्थर इनके ऊपर, पता नहीं भाई। ओके बोरा आ जाओ, मैं तो मैं बताता हूँ, आ जाओ। अरे मेरे कोई साथी वाती नहीं है क्या? है तेरी ऐसे की तैसे। लो और आ आ भाग कर रहे मोटू, एक तो गया, और भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, किसी की दिक्कत नहीं है, सबको मार दूंगा। किल ऑल द राइनोज। अरे मेरे को कहाँ नहीं दिख रहा राइनो। ओके ये रहा मोटू, आ रहा हूँ बेटा। तेरी तेरी ऐसे की तैसे भाग कर रहा है। ओ भाई मैं नीचे गिर जाता है इसको मारने, मार इसको भाई। हाथी तगड़ा है ये, इसने बहुत सबको निपटा दिया। आ जा इधर आना। ओके ये रहा एक राइनो आ गया यहाँ पर तेरी। ले भाई ये तो भगवान का सब, कहाँ जाके भाई ये तो मेरे को मार देंगे, मेरे को मार देंगे मार देंगे मार देंगे। भाग 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 भाग, तगड़े ही थे ये भी। ले बेटा हेडशॉट पे हेडशॉट दूंगा। अरे मार कौन रहा है एकदम से ना। किल ऑल द राइनोज इन द एरिया। ओके बहुतों को तो निपटा दिया मैंने, आगे चलता हूँ भाई। जितने आएंगे ना सबको मार दूंगा। नहीं नहीं पीछे ही जाना है, पीछे ही जाना है। वो राइनो की स्प्रिट वहीं पर, वो और बंदे उगा रहा है। मतलब सबको मारेंगे तभी जाएंगे क्या? नहीं ये तो रही राइनो की स्प्रिट, ये गायब कैसे हो रहा है? मेरे को तो इसका ये समझ नहीं आ रहा भाई बिल्कुल भी, कहाँ तक चले जाएगा। तो मैं तेरे को देखता हूँ यहाँ पर। तो ओके भाई राइनो का स्पिरिट का पीछा करते करते मैं बहुत ही ज्यादा आगे तक आ चुका हूँ। यहाँ पर देखना पड़ेगा और क्या चल रहा है। इसको कैसे मारूँ मैं, इसको कैसे मारूँ, कहाँ है? और ओके इसने और भी पैदा कर दिए अपने साथी। आओ आओ आओ, तुमको तो मैं बताता हूँ, एक एक को निपटा दूंगा जितने भी राइनो आ रहे हैं ना। और कहाँ है और कहाँ है? अरे मोटू इधर आ, तेरे को मैं बताता हूँ। इसमें तो एक लगते ही जाएगा ये। मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई ये इसके आत्मा के अंदर क्यों डाला है मेरे को। ओके वो भाग रही भाई। इसको तो भाई एक ही उसमें उड़ा दिया मैंने। अरे मोटू तुम भाग क्यों रहा है? लड़ने का दम नहीं तो आते क्यों तुम? वो स्प्रिट भी ऐसी सी है ये। ओके भागने की कोशिश कर दिया भाई साहब, इसने बहुत उगा दी इस बार। ले 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 ले
किसी को नहीं छोड़ने वाला, ये भाग कर रहा है। लेकिन अबे राइनोस को मारना इतना आसान काम है क्या? मेरे को तो भाई मजा आ रहा है। ले तेरी तेरी ऐसी की तैसी। स्प्रिट तो यहीं पर, लेकिन और राइनोस कहाँ पर है? तेरी ले भाई साहब। ओ भाई 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 भाई, भाई। इसने तो बहुत सारे आगे एकदम से ही बेटा। लेकिन मैं भी मेहमत का बच्चा हूँ, सबको मारूंगा एक एक करके। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तू इधर आ। हैं हैं लड़ने आएगा? ले लड़ेगा। ओके राइनो स्प्रिट कहाँ पर है? ये रहा, इसको मारना है भैंस की। तेरी तेरी भैंस की। ले ले इधर आ, इधर आ, तेरे को मैं बता दूँ। हैं ओके भाई इसको मार दिया मैंने भाई, अब मजा आएगा। इसको मार दिया, शिट भाई मजा आ गया। अब देखते भाई क्या होने वाला है। ओके इसको तो मैंने मार दिया है, तो ये भी मर चुकी है। बुरी स्पिरिट थी आई थिंक जो भी है, बट भाई मैं भी मेहमत बन गया था। आई थिंक इतना ही था मिशन कंप्लीट। ओके हाँ, इसके अंदर से हमारी स्प्रिट निकल गई थी जो गोल्डन कलर की थी। ये मैं ही था टक्कर। ड्यूअल ऑफ बीस्ट कंप्लीट। कुछ तो इसका वो होगा ना यार, इस मिशन का मुझे लॉजिक समझ नहीं आया। जहाँ तक मुझे लग रहा है बस मुझे इसकी हेल्प करनी थी, हाथी अपने आगे जाकर ना कहीं कुछ काम वाम आएगा। तो जो भी था सीन, तो अबे दोबारा आ गया है पीने का। अबे दोबारा इसका मिशन नहीं कर रहा मैं, थोड़ा सा उसके पास जा रहा हूँ भाई, खुशुक के पास। द इसकी भी इसका भी हाँ फंस गया हूँ। अबे विंजा लोगों ये क्या बना रखा है जो मुझे फंसा रहा है इधर। ओके यहाँ पर एक चीज़ और है भाई, इन्होंने तो फिशिंग के लिए भी बना रखा है। मछलियाँ मछलियाँ काट रहे हैं यहाँ पर, बढ़िया। ओके भाई ये भी आ चुका है, इसका सही है भाई, इसने नीचे घर लिया एकदम। लेकिन जब अटैक होएगा इस पे सबसे पहले बंदे आएंगे यहाँ पर। ओके ये हमारे लिए वेपन्स वगैरह बनाएगा, ठीक है। ओके इसका घर तो मैं बना ही दिया है, सही है भाई, अपने लिए वेपन्स वगैरह भी हो जाएंगे अब। इसकी हंसी भाई कितनी बुरी सी है। तो भाई ये भी अपना कंप्लीट हो चुका है, वॉक द क्राफ्टमैन। ठीक है इसका अपग्रेड कर सकता हूँ भाई, इसके लिए तो बहुत कुछ चाहिए। नॉर्थ क्ले, नॉर्थ सीडर, नॉर्थ तो बहुत महंगा पड़ेगा मेरे को। ओके तो भाई इसका मिशन देखता हूँ मैं। ओके तो ये मेरे लिए और वेपन्स बना रहा है भाई, ये कह रहा है तुमने मेरे लिए घर बनाया ये वो सब चीजें, ठीक है। अब मैं इससे और भी ज्यादा जल्दी चढ़ पाऊंगा कहीं पर भी। लेकिन टुंडे हाथों से बना देता है क्या? ओके ये इसी की क्लॉथी है, नीचे थी। अरे बहस क्या है, ये बुड्ढा खुद ही मरेगा। ओके तो भाई इसने बढ़िया बना रखी है क्लोन ना चढ़ने के लिए कहीं पर भी, तो सही चीज है। इसको भाई पेट वेट भी जला पड़ा है इसका, ये बुड्ढा है, इसका मरेगा किसी दिन के ना। ओके तो भाई और क्या चाहता है तो मेरे से? तो भाई इस बुड्ढे से भी बात कर लिया मैंने, ये अपने लिए और चीजें बनाएगा। इसका मिशन भी आ चुका है मेरे पास, ठीक है। बाकी सबका भी मिशन ले लेता हूँ मैं, फिर जब बाहर जाएंगे तो अपना मिशन कंप्लीट करेंगे इन सब के, ठीक है। और उसके बाद एक वहाँ पर भी, एक वहाँ पर भी है। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करना, चैनल पे तो भाई सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।